संविधान वितर्क शीतकालीन अधिवेशन 14तम दिन में आज प्रतिरक्षा मंत्री संविधान वितर्क आरंभ कर संविधान को देशर गौरव कह सहित संविधान कौन राजनैतिक दल नुहे राजनाथ किसी लोक संविधान को निजस्व अधिकार क्षेत्र मन कर विरोधी कांग्रेस को टार्गेट कर राजनाथ क्षमता थिबा बेले कांग्रेस अनेक समय संविधान गला चिपिबा उद्यम करथला बोली कहिसेंति राजनाथ देशर संविधान अनुमोदन दिवस को 75 वर्ष पूर्ति अवसर स्वतंत्र वितर्क जारी रही आज एवं आसंता काली लोकसभा डिसेंबर 16-17 तारीख में राज्यसभा वितर्क शनिवार दिन लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर दुईदिना वितर्क जवाब देते राज्यसभा अमित शाह 17 वितर्क शेष वक्तव्य रखिपारे सबसे पहले आज संसद पर हुए हमले की हम सभी जानते हैं बरसी है। मैं इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, यहाँ एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। मुझे कहते हुए हर्ष, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया है और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।